कुछ कहना है? देखिए सर, आप नाराज मत होइए। हम उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे कि हमने ये जानबूझकर नहीं किया, हमने तो इस पे साबुन भी रगड़ा था। वेट! तुमने मेरे इस लाखों के कोट पे 2 रुपए का साबुन रगड़ा? वाओ, ब्यूटीफुल, इजंट इट? ओके गाइस, दैट्स इट। अर्नी, आई एम सॉरी, पर अब मैं आपके साथ शूट नहीं कर सकती। लीजा, वो गॉड एएसआर कुछ तो करो ना। हमारी न्यू इंडियन वुमेन लुक लॉन्च कैलेंडर 2 दिन में प्रिंट होने वाला है और अब तक कुछ नहीं हुआ है। यू चमकीली, तुमने अच्छा नहीं किया। हम सच कह रहे, हमने okay, sir. I know there is a problem, but मुझे 1 घंटे में जाना है। I have to leave in 1 hour. तो इस शूट का क्या स्टेटस है मुझे बता दो। The shoot is on, Jeff. ये शूट होगा। अब ये ड्रेस तुम पहनोगी। Go change. Sir, हम ये कैसे? Just shut up. तुम्हारी वजह से मेरा लखनऊ का शो भी खराब हुआ था। अब ये शूट किसी की बेवकूफी की वजह से नहीं रुकेगा, और तरीका जो भी हो, टीवी पे आना तो तुम्हारा भी शौक है ना? अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता ना, तो कब का तुम्हें ऑफिस से उठाकर बाहर फेंक दिया होता। सर, हम ये नहीं। अगर शूट के लिए मना कर रही हो तो रिजाइन कर दो। एंड आउट। ओके गाइस, कुछ सोचते हैं, कुछ करते हैं, डोंट वरी। नहीं जा, मैं सोच चुका हूं, अब बस करना है। ये शूट किसी की बेवकूफी की वजह से नहीं रुकेगा। अगर शूट के लिए मना कर रही हो तो रिजाइन कर दो। हम ये कैसे? देवी मैया, अब आप ही कुछ कीजिए। हमारी किस्मत में ही ऐसे उल्टे चक्कर क्यों लिखे रहते? हम तो उस कोट को संभाल के रखना चाहते थे, पर अब हमारी वजह से शूट ही रुक गया। हेलो जी जी। पायल जी तो अंदर हैं, इसलिए हमने उठा लिया। श्याम जी, और हाँ, आपके सरप्राइज पार्टी की भनक भी नहीं लगने दी उनको। आप बस जल्दी से आ जाइएगा। बुआ जी भी आप ही की तारीफ कर रही थी। कह रही थी कि जब
से नौकरी लगी है उनकी छोटी भांजी तो बहुत समझदार हो गई। हमने भी कह दिया उनको कि बुआ जी नौकरी तभी लगी है जब समझदार थी। क्यों, ठीक जवाब दिया ना हमने? खुशी जी आज आप बहुत चुप हैं। लखनऊ एक्सप्रेस का आज ऑफ डे है क्या? खुशी जी सब ठीक है? हाँ हम ठीक है। खुशी जी सोचा था आपको अलग से फोन करेंगे पर आपने खुद ही फोन कर लिया है तो आपसे माफी मांगना चाहते हैं। माफी? किस बात की? जी वो आपने जो पायल जी के जन्मदिन के लिए सरप्राइज सोच रखा है हम उसका हिस्सा नहीं बन पाएंगे। पर हाँ पायल जी के जन्मदिन की खुशी में हमने नुक्कड़ की दुकान में जलेबी ऑर्डर कर दी है, आप बस लेती आइएगा। खुशी जी हम जानते हैं आप नाराज तो बहुत हो रही होंगी पर क्या करें, अब एक केस आ गया है और उसके लिए निकलना ही पड़ेगा। लेकिन श्याम जी आज देखिए श्याम जी आप प्लीज कुछ कीजिए, हम यहाँ ऑफिस में अटके और आज जीजी का जन्मदिन है, वो अकेली हो जाएगी, आप कल नहीं जा सकते? खुशी जी अब आप हमें मुश्किल में डाल रही हैं। हम जानते हैं श्याम जी, इसलिए तो हम शर्मिंदा हैं, पर हम भी तो मुसीबत में हैं। ठीक है तो आप अपनी मुसीबत सुलझाइए और हम अपनी मुसीबत सुलझाने की कोशिश करते हैं। जी शुक्रिया, हम आपको दोबारा फोन करते हैं। अब आपने इतने प्यार से कहा है तो जाना तो कैंसिल करना ही पड़ेगा। हम क्या करें देवी मैया, अब आप ही हमें रास्ता दिखाइए, हम नौकरी तो नहीं छोड़ सकते, सबको हमसे कितनी उम्मीद है, हम सबकी उम्मीद तो नहीं तोड़ सकते। नहीं हम हार नहीं मानेंगे, कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। लाओ, बहुत देर हो गई। जेफ प्लीज मैं देखती हूँ। लीजा को यही ड्रेस पहननी थी ना? क्या पहनने के लिए कहा था? अपना दिमाग मत लगाया करो, जो कपड़े दिए थे वो पहनने चाहिए थे ना। ये लुक हमारे कैलेंडर शूट के लुक से बिल्कुल अलग है, तुमने क्या पहना है? इडियट, हमने आपसे कहा था हम वो कपड़े नहीं पहन सकते। तुम्हें ये ड्रेस पहननी ही पड़ेगी, अगर ये सार को पता चला कि तुमने उनके ऑर्डर फॉलो नहीं किए तो वो तुम्हारा बहुत बुरा हशर करेंगे। हम वो अजीब कपड़े नहीं पहन सकते। तुम मुझसे जुबान लड़ा रही हो? नहीं मैम, हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे कि जो आधे अधूरे कपड़े आपने हमें दिए थे वो हिंदुस्तानी कपड़े नहीं है, ये हमारा पहनावा है, हम भी यहाँ के हैं, यहाँ से पढ़े लिखे हैं, पर अपनी शर्म और अपनी परंपरा नहीं भूले। शट अप चमकीली, अब तुम हमारे फैशन डिजाइनर्स को ट्रेंड और फैशन समझाओगी? वो ला अब इसकी बात में पॉइंट है, मैं तुम्हें लाइट्स में देखना चाहता हूं। कम है गाइस, प्लीज प्लीज सॉरी। देखो इस लड़की ने क्या कर दिया, सारी ये हमारा कैलेंडर शूट बर्बाद कर देगी। मैंने तुमसे क्या कहा था?
चुपचाप जाओ और वो कपड़े पहन कर आओ। एक मिनट, एसआर। इस लड़की की बात में पॉइंट है। वैसे भी ये आउटफिट उतना कोई बुरा नहीं है और लीजा के काफी शॉट्स तो मैं ले चुका हूँ, यू नो, हॉट एंड ब्यूटीफुल, फिर भी ट्रेडिशनल, इट मेक सेंस। एंड माय कैमरा, देखो बॉस तुम हो पर मेरे लिए ये आउटफिट काम कर रहा है, राइट आकाश? भाई जो ठीक समझे, पर मैं जेफ की बात से अग्री करता हूँ, ये क्लासिक ट्रेडिशनल लुक हमारे कैलेंडर में अच्छा लगेगा। और भाई वैसे भी एआर जितना ऊंचा उठ रहा है उतना ही अपने जड़ों के करीब है। कर लेते हैं भाई, ये लुक हमारे कैलेंडर में अच्छा लगेगा। लुक ऐसा, मुझे 30 मिनट में यहां से जाना है। आई एम रियली सॉरी बट तुम्हें अभी डिसीजन लेना है, शूट नो शूट। ठीक है, go on. मैं भी कभी कभी सोचता हूं कि मैंने ऐसा क्यों किया, मेरे साथ वैसा क्यों हुआ। यकीन मानिए जब मुझसे गलती होती है ना तो ऐसा और मुझे भी नहीं बख्शते। हम मानते कि हमसे गलती हो गई पर हमने उसके लिए माफी भी तो मांगी और फिर भी हमें सजा मिली। और आप भी तो इसी ऑफिस से है ना, तो फिर आप हमसे इतनी अच्छी तरह से क्यों बात कर रहे हैं? आप भी हमें डांटे, बुलाइए हमें चमकीली, कहिए कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। मैं चाहे जो भी कहूं, आप जो हैं वो ही रहेंगे, और आप वो हैं जिसने एएसआर के सामने अपनी बात रखने की हिम्मत की, आप वो हैं जिसने ना सिर्फ अपनी गलती मानी उसे सुधारने की कोशिश की और आप कामयाब भी रहे, वरना इतना जाना माना फोटोग्राफर किसी की सुनता? पानी पियेंगे? नहीं, हम चले भी जी। चलो भैया के भवन भवन भवन। कह रही हूँ। हेलो जीजी। कहाँ? हेलो हेलो, पहले बोलो, अपना मुंह खोलो, कहाँ हो तुम? कहाँ बोली थी कि पहले के जन्मदिन पे तैयारी करी है, कुछ सोचा है? यही सोचा है घुइया? बुआ जी हमने सोचा कि ऑफिस का काम खत्म करके घर आएंगे, पर ऑफिस का काम। अरे नंद किशोर, अरे नहीं आ सकती थी तो हमको तो कहना चाहिए था ना, हम कब मर गए हैं? अरे हमारी पयलिया का जन्मदिन है तो हम तैयारी कर लेते। क्या बोली थी? बड़ी बोली थी जीजी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए। बड़ी आई, अब सीधे सोलो कान खोल के सीधी तरह घर चली आओ, नहीं तो बिजू का बना के केक में गाड़ दी, समझे?
पड़ी आई। हाय रे नंद किशोर, पहलिया